नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ पे हम लोग जिस इशू को देख रहे हैं वो है क्वाड समिट। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने क्वाड समिट के अंदर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। और उसके पीछे के बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से वो इस समय क्वाड की समिट के अंदर जो इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी उसको वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। और इसी रीजन की वजह से यहाँ पे ये समिट के कैंसिल होने के पीछे का कारण जो है वो जो बाइडेन को बताया जा रहा है। तो क्या रीजन है, इसको समझते हैं क्यों उन्होंने समिट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। और तो ये एक तरीके से देखा जाए तो चाइना के लिए एक जियोपॉलिटिकल विन है, और क्या रीजन है उसको देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिएगा और एंड तक इसको देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वाड। तो क्वाड बेसिकली चार देशों से मिलकर एक समिट यहाँ पे होता है, चार नेशंस जो हैं वो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। और वो चार नेशंस जो हैं वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और इंडिया। और रिसेंटली ही जो आपके यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने समिट में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है बिकॉज ऑफ द डेट सीलिंग नेगोशिएशन जो इस समय वॉशिंगटन के अंदर चल रही है। सो बेसिकली इस समय यूएस के अंदर ही इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। कुछ पोटेंशियल रिपल इफेक्ट्स हैं जो अगर यूएस में क्राइसिस आएंगे और वो रिपल इफेक्ट्स ग्लोबल स्केल पे देखने को मिल सकते हैं। सो एट प्रेजेंट जो सिनारियो यूएस में है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है और जो उनके डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, प्रेजिडेंट बाइडेन सबसे पहले उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। रिपब्लिकन्स के साथ नेगोसिएशन करके जो यूएस डेट डिफॉल्ट्स हैं उसको इस मंथ तक उनको रिजॉल्व करना है, अदरवाइज ये एक ह्यूज पोटेंशियल रिपल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं ग्लोबल स्केल के ऊपर। तो इस पूरे मुद्दे में अगर आप आगे को देखेंगे तो ये कहा गया है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के थ्रू कि अभी हम लोग यहाँ पे इस मीटिंग को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन उसके अगले ही वीकेंड जब हम लोग G7 समिट में मिलेंगे तो वहां पर उन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे। फिलहाल इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स तो मंजूर था, इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया को तो मंजूर था कि वो इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें, लेकिन क्योंकि बाइडेन इस मीटिंग को पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने इस ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। अपकमिंग एशिया पैसिफिक ट्रिप में उन्होंने कहा कि अभी नहीं और थोड़े समय के बाद मैं आप लोगों से मिलूंगा, क्योंकि अभी उनके लिए इंपॉर्टेंट है अपने डोमेस्टिक अफेयर्स को रिजॉल्व करना। आगे देखते हैं यहाँ पे। सो एल्बनी जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा इट इज डिसअपॉइंटिंग कि बाइडेन ने ये डिसाइड किया है कि वो अपकमिंग May 24 के समिट को अटेंड नहीं कर पाएंगे। फिलहाल नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं और जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, दे आर सपोज टू अटेंड द मीटिंग। सो ये जो डिसीजन है वो इस ग्राउंड पे लिया गया है कि जब चारों ही मेंबर नेशंस के जो लीडर्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसीलिए समिट को अभी प्रेजेंटली कंडक्ट नहीं करा जा सकता। जो बाकी रीजंस हैं वो आप देख रहे हैं कि डोमेस्टिक अफेयर्स जो यूएस के समय रिजॉल्व करने जरूरी, इसी कारण से वो अभी नहीं मिल पा रहे हैं। जो चारों लीडर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं कि हम लोग हिरोशिमा में मिलेंगे G7 समिट के अंदर और वहां पर अपने इन इश्यूज को, जो जो मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो क्वाड एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जो चाइना को काउंटर करने के लिए एक तरीके से आप देखें तो बनाई गई है, और इंडो पैसिफिक रीजन में उसकी प्रेजेंस को डोमिनेंस रखना चाहते हैं क्वाड के थ्रू। इंडिया एक मेन इस समय कंट्री है जो चाइना को काउंटर कर सकती है। सो क्वाड जो एक इम्पोर्टेंट बॉडी है, दे वांट टू मेक श्योर दैट इट अकर्स एट लीडरशिप लेवल, और अगर किसी भी देश के लीडर उसमें प्रेजेंट नहीं है तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, इसीलिए इस मीटिंग को भी प्रेजेंटली कैंसिल करा गया है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो नेक्स्ट विजिट अपनी करने वाले हैं सिडनी, एंड ही इज बीइंग द पर्सन ऑफ द इंडियन लीडर शेड्यूल्ड टू एड्रेस इंडियन डायस्पोरा एट अ सोल्ड आउट ऑफ 20,000 सीट स्टेडियम ऑन ट्यूजडे, दैट इज एट सिडनी। तो वहां पर वो 20,000 से भी ज्यादा इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने वाले हैं। साथ ही साथ ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो इंडो पैसिफिक रीजन में प्रमोट करा जा रहा है, और उसका मेजरली पर्पस है चाइना को काउंटर करना, और उसका जो इन्फ्लुएंस है, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, उसको काउंटर करना। तो इसी के साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो प्रेजेंट मीटिंग है वो थोड़े समय के लिए शट डाल चुकी है, और अब जो भी नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स है वो G7 के अंदर ही ये मेंबर नेशंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि क्या रीजन है इस समय जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने इसको कैंसिल किया है।
अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ आए हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डू हिट अ लाइक बटन, एंड कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप ऐसी और कौन सी वीडियोस चाहते हैं जिनके ऊपर हम लोग नए सेशंस को लेकर आए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच।